एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रोफिलास कॉर्नर। और आज मैं डेडिकेटली सिटिंग वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट करके रखा था बट इंट्रो नहीं शूट किया था, तो इंट्रो शूट कर रही हूँ अभी। और सिटिंग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पैर में इंजरी है, तो चैनल में कुछ ना कुछ जाना ज़रूरी है, तो प्री वर्क करके रखते हैं हम यूट्यूबर्स। और यूट्यूबर की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, हमें प्री वर्क करके ये रखना होता है क्योंकि 13वीं मुझे टेस्ट हुआ है, तो मैं कल तक तो चल फिर नहीं पा रही थी, आज थोड़ा बहुत वेट खा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो इंट्रो कंप्लीट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो फुल फ्लेज एक ही टॉपिक पे होने वाला है, तो पूरा एंटायर मेरा आज का लाइफस्टाइल और आज मैंने क्या किया वो नहीं बता रही हूँ। ये वीडियो शूट हो चुका था दो दिन पहले ही हो चुका था। और मैं हमेशा है ना दो वीडियो शूट करके ही रखती हूँ कि कल को कुछ हो गया जब नहीं कर पाए, तो उस वजह से। तो ये एक्सप्लेनेशन मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ये हो चुका है शूट, सिर्फ इंट्रो शूट हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये फुल फ्लेज टॉयलेट क्लीनिंग के बारे में है, वैसे भी एक प्रोडक्ट के बारे में है, बट ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अभी तक मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रही हूँ। हाँ, मुझे आते हैं, ऑफर्स आते हैं, बट अभी तक मैं सोच नहीं रही हूँ उसके बारे में। और मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग जुड़ जाए मेरे साथ, तो कोई अच्छे ब्रांड के साथ मैं काम करूँ। अभी मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मुझे जो अच्छा लग रहा है, मेरी एक्सपीरियंस अच्छे हो लग रहे हैं और लगता है कि आप लोग उसे यूज़ करके सेटिस्फाई हो गए, तब जाके मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। अभी मैं जो कर रही हूँ वीडियो, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर का हैंगिंग है, मतलब आपका फ्लश हैंगिंग होता है वो है, और वो कैसे यूज़ कर रही हूँ और कैसे मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, बस उसी के बारे में। सो ज़्यादा वक्त ज़ाहिर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हार्पिक हाइजीन वाला है, बाथरूम में आप डालोगे तो डिपेंड करता है कि आपके घर पे कितने लोग रहते हैं, तो अगर जितने ज़्यादा लोग रहेंगे तो उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हम तो दो ही जन रहते हैं तो महीने भर आ ही जाता है हमको, क्योंकि हमारा दोनों टॉयलेट में हम लगा देते हैं, तो दोनों टॉयलेट तो इतना यूज़ नहीं होता, पर अटैच वाला जो ये बाथरूम है वो होता है, तो कैसे लगाते हैं हम देखते हैं इसको। ठीक है, ये है ना इंग्लिश टॉयलेट के लिए ही बना हुआ है। सो ऐसे यहाँ पे इसके साइड में आप लगा सकते, ऐसे आप लगा सकते हो, ये इस तरीके से लग जाएगा, उसने नॉब में आप एडजस्ट करके लगा सकते हो। अब मैं इसे फ्लश करके बता रहा हूँ, जो ये फ्लश होता है उसके ऊपर से पानी निकल के या फॉर्म तैयार होता है एंड डिवाइडेड क्लीन होता है, मतलब आपको डीप क्लीनिंग आप वीक डेज में कर सकते हो। डेली ये ऐसे क्लीन होता रहेगा और खुशबू भी अच्छी आती है इसकी, तो आपका जो ये आप फ्लश करके निकलोगे तो आपका वॉशरूम में भी खुशबू इसकी आ जाएगी। काफ़ी लोग इसकी प्राइस पूछने वाले हैं, पता है, क्योंकि मुझे वैसे भी कमेंट में फिर प्राइस आ ही जाता है, तो मैं इधर कहीं लिखा रहेगा वो ही दिखा देती हूँ। या ये रहा इस तरफ है, 78 रुपीज़ का है, पर वो डी मार्ट में लिया था मैंने, तो हमको वहाँ से डी मार्ट से तो डिस्काउंट मिल जाइए, तो ऐसे कोई मार्ट देख लीजिए जहाँ तक आपको डिस्काउंट में मिलेगा। अब मैं आपको कह नहीं सकती कि कौन से प्राइस में मुझे मिला था, MRP रेट से तो नहीं मिला था मुझे, बट अगर आप नॉर्मल ऐसे शॉप में इसे ख़रीदने जाते हैं तो ये 78 रुपीज़ का मिलता है। और वर्थ है, वर्थ इसीलिए है क्योंकि ये महीने भर आ जाता है, डिपेंड करता है आपके घर पर ज़्यादा लोग हैं तो ये नहीं आएगा ज़्यादा टाइम तक, ये कुछ ऐसे दिखता है। ये देखें इधर दिखाया है मेथड कैसे डालना है, यहाँ पे भी दिखाया है कैसे डालना है, जो ये यहाँ पे हमने फाड़ दिया है तो ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है यहाँ पे कैसे डालना है, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपका इंग्लिश टॉयलेट है आप ज़रूर इसे लीजिएगा। अब जो इंडियन टॉयलेट है उनके लिए मैं दूसरा कुछ रिकमेंड करती हूँ जल्द से जल्द। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी।